वर्ल्ड कप 2019 में मैच के रोज अगर बारिश होगी तो क्या होगा? आईसीसी ने जबरदस्त प्लेइंग कंडीशन का ऐलान कर दिया है। अगर मैच ना हुआ तो क्या होगा? कौन सी टीम को कितने पॉइंट मिलेंगे? सेमीफाइनल में बारिश होगी तो क्या होगा? तो फैसला किस तरह होगा? अगर सेमीफाइनल किसी भी तरह ना हो पाया तो क्या नतीजा निकलेगा? सेमीफाइनल बराबर होगा तो फैसला किस तरह होगा? फाइनल का हर सूरत फैसला होगा या नहीं होगा, तफसील देखें इस वीडियो में। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 आईसीसी ने दिलचस्प प्लेइंग कंडीशन का ऐलान कर दिया है। नंबर 1, लीग मैच ना होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। नंबर 2, सेमीफाइनल। सेमीफाइनल बारिश की सूरत में जबरदस्त ऐलान किया है आईसीसी ने। आपको बताते चलें, बारिश की वजह से सेमीफाइनल ना होने की सूरत में अगले रोज मैच खेला जाएगा। जब मैच नामुकम्मल होने की सूरत में अगले रोज मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर बारिश की वजह से रोका गया था। सेमीफाइनल बराबर होने की सूरत में या टाई होने की सूरत में सुपर ओवर से फैसला किया जाएगा। याद रहे, इससे कबल सुपर ओवर सिर्फ T20 मैचेस में किया जाता था। किसी भी सूरत में मैच ना होने की सूरत में लीग मैच में ज्यादा पॉइंट लेने वाली टीम को सेमीफाइनल फतह करार दे दिया जाएगा। नंबर 3, फाइनल। अगर फाइनल की बात की जाए, अगर अपने मुकर्रर दिन पर ना होने की सूरत में रिजर्व डे रखा गया है, जबकि बराबर होने की सूरत में सुपर ओवर पर फैसला किया जाएगा। अगर फाइनल किसी भी सूरत में मुकम्मल ना होने पर दोनों टीमों को मुश्तरका चैंपियन करार दे दिया जाएगा। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।